नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। वो कोई और होंगे जिन्हें साहिल की तमन्ना हो, मैं तूफान में रहता हूं, मुझे साहिल से क्या मतलब। और तूफानी अंदाज में झारखंड की एक बेटी ने न सिर्फ कुछ कर दिखाने का सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने का हौसला भी दिखाया, वो भी उम्र के उस पड़ाव में जिसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति अक्सर कमजोर पड़ने लगती है। देखिए कैसे इस बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया सफलता का परचम। चलिए हमारे साथ झारखंड। अपने अस्तित्व को हर कदम के साथ निखारती इन बेटियों का आदर्श है प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड की रहने वाली प्रेमलता ने साबित कर दिखाया है कि कुछ कर दिखाने के लिए इंसान उम्र का मोहताज नहीं होता। प्रेमलता के मन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत हमेशा से थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और जब मौका मिला तो प्रेमलता ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर देश का तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बना डाला। इस सफर की शुरुआत हुई उम्र के 37 साल के पड़ाव पर, जब प्रेमलता ने जमशेदपुर में एक माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और तीसरा स्थान हासिल किया। सर्टिफिकेट लेने के दौरान उनकी मुलाकात हुई बछेंद्री पाल से, जिन्होंने प्रेमलता को एडवेंचर स्पोर्ट में शामिल होने की सलाह दी। बछेंद्री जी के ऑफिस में गई तो वहाँ पर उनके एड्रेस के फोटोग्राफ्स देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई और मैंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को एडवेंचर में डालना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा, बेटियाँ ही क्यों, आप क्यों नहीं। बछेंद्री पाल की सलाह पर प्रेमलता ने अपनी बेटी के साथ उत्तरकाशी में नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जाने का फैसला किया। 21 दिनों के कोर्स में प्रेमलता को 13,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। ये उनके जीवन में अहम मोड़ साबित हुआ। वो समझ चुकी थी कि माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में कुछ कर सकती है। दार्जिलिंग जाकर प्रेमलता ने माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स किया। अब प्रेमलता का अगला लक्ष्य था एवरेस्ट पर फतह। एवरेस्ट जाने के पहले की तैयारी, घर को भी देखना, 3 महीना घर से दूर रहना, और ये कैसे होगा। तब मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम कुछ मत सोचो, घर की बिल्कुल चिंता मत करो, घर मैं देख लूँगा, बेटी की शादी हो गई है, उनको भी, उनके ससुराल वालों को भी समझाना देखना, छोटी बेटी भी है, तुम सास ससुर है, दादी सास भी थी, तुम बोले कुछ भी चिंता मत करो, तुम तो बस अपने एवरेस्ट जाने की तैयारी करो और सारा मैं संभाल लूंगा। प्रेमलता अब एवरेस्ट मिशन का हिस्सा थी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ रही थी। ये उनके जीवन का सबसे कठिन लक्ष्य था। एक बार मैं आगे बढ़ रही थी तो मुझे पूछ किया मेरे गाइड ने, तो देखा कि मुझे धक्का क्यों दे रहे हो, तो देखा पीछे से एवलांच आ रहा है। एक बार मेरे सामने एवलांच आ रहा है तो उस समय हम लोग सब बैठ गए थे। प्रेमलता एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में कामयाब हो गई, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सफर यही नहीं रुका, उन्होंने दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका की 7 समिट्स पर फतह हासिल कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। हिम्मत और दृढ़ निश्चय ने प्रेमलता को एक नई पहचान दिलाई है। इस पूरे मिशन में प्रेमलता का उनके पति और ससुराल वालों ने हमेशा साथ दिया। आज वो देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो एडवेंचर स्पोर्ट में कुछ कर दिखाना चाहती है और उनके लिए ट्रेनिंग अकादमी चलाती है। प्रेमलता देश का स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसी लाखों बेटियां हैं जो दिल में कुछ कर दिखाने का सपना लिए जी रही हैं और अवसर का इंतजार भी कर रही हैं, या यूं कहें खुद को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हम उन सब से कहना चाहते हैं कि मंजिल का इंतजार करने से बेहतर है मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना। यही साबित भी कर दिखाया है इस बेटी ने। और प्रेमलता अग्रवाल ने अपने मन की बात मानी तो पश्चिम बंगाल की सुभाषिनी ने हजारों लोगों को जिंदगी देने की ठानी। कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा कल इसी वक्त। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।